चैनल साई टेरो 777 और मैं पूनम वर्मा लॉट आई हूँ आप सभी के साथ जोडियक साइन बेस्ड रीडिंग। और यस, चलिए रीडिंग शुरुआत करते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए सितंबर मंथ में कैसी एनर्जी उनके रहने वाली है, तो सबसे पहले हम जानेंगे सितंबर मंथ में उनकी मेजर एनर्जी क्या रहने वाली, क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं सिंह राशि के लिए, क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं सिंह राशि के लिए। द डेविल की एनर्जी, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अपनी कंडीशन से बाहर निकलने वाले हो, अपनी जो भी सिचुएशन थी जिसमें अपने आपको बेचारा समझ रहे थे वहां से आप निकलने वाले हो। किसी ने अगर किसी प्रकार की ब्लैक मैजिक कर रखी थी, किसी ने आपके ऊपर नेगेटिव काफी फेंक रखी थी जिसकी वजह से आप बहुत ही अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे, बहुत ही अपने आप को बेचारा समझ रहे थे, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे अपनी शक्ति को पहचानिए, मैं कहूँगी आप अपनी शक्ति किसी सिचुएशन के सामने गिव अप मत कीजिए, जितना हो सके गिव अप मत कीजिए। और यहाँ पे रेड कलर दिखाया गया है, तो जैसे ये बता रहा है कि अग्रेशन से दूर रहिएगा, जितना हो सके अग्रेशन से बचिएगा, ठीक है। अग्रेशन आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है, और कोशिश करिएगा इस सितंबर के मंथ में आप लाल रंग के कपड़े ना पहने, लाल रंग के कपड़ों से पहने से बचिएगा, और लाल रंग के और काले रंग के, ठीक है। अगर लाल और काले रंग के आप कपड़े पहनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको डार्क एनर्जी की तरफ पहुंच जाएंगे, जहां से आपके लिए आपकी चीजें, आपकी मैनिफेस्टिंग, आपकी विशेष पूरे होने में डिले हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने कलर्स की ओर ध्यान देना है और डरना नहीं है। माँ काली का जाप कीजिए, जितना हो सके काली कवच का पाठ कीजिए, काली माता आपकी जरूर सुनेंगी, आपको जरूर प्रोटेक्ट करेंगी, ठीक है। तो ये आपके लिए रीडिंग मेजर चेंज और मेजर मैसेज है। और चलिए आपके लिए और क्या एनर्जी रहने वाली है जानते हैं सिंह राशि के लिए टेरो कार्ड से, और क्या एनर्जी रहने वाली है सितंबर मंथ के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। हायरोफेंट, किंग ऑफ वैंड, फोर ऑफ कप, नाइट ऑफ कप। सबसे पहले बात करूंगी बॉटम पे, देखिए सिक्स ऑफ कप बॉटम में आपका सिक्स ऑफ कप, तो सिक्स ऑफ कप दिखा रहा है कि जैसे जो भी पुराना मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर रीयूनियन है, ठीक है। अगर आप किसी पुराने रिलेशनशिप में थे और वहां पे आप बहुत ही मायूस रहे, शायद वो आपको उतना प्यार, उतना केयरिंग और रिस्पेक्ट नहीं मिला, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में दूरियां रही थी, तो ये दूरियां मुझे खत्म होते हुए दिखाई दे रही हैं और एक एक बॉन्डिंग बनते हुए दिखाई दे रही है। इस रिलेशनशिप में सब कुछ वापस आते हुए दिखाई दे रहा है। खासकर मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर बुजुर्गों के साथ में आपके मतभेद रहे हैं तो वो मतभेद भी आपके दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैंने जैसे यहाँ पे बोला था कि जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी टॉक्सिसिटी थी आपकी लाइफ में, बड़ी टॉक्सिटी जिसकी वजह से आप सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे थे, वहां से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, वो आपकी लाइफ से क्रॉस हो रही है, निकल रही है, रिमूव हो रही है। और शायद आपने बहुत ज्यादा पूजा पाठ की है, हो सकता है हाल ही में आपने कोई रिमूवल रिचुअल भी किया हो, कोई मेडिटेशन किया हो, कोई स्पेल किया हो, और इस वजह से भी आपके लिए वो एनर्जी आई है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही, डेविल की एनर्जी आपकी लाइफ से निकल रही है और वो टॉक्सिटी भी खत्म हो रही है, ठीक है। आपके लिए कार्ड्स में फोर ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है, फोर ऑफ कप्स दिखा रहा है कि भाई जो भी पास्ट का था उसको लेट गो करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, नई चीजों को एक्सेप्ट करो। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके रूट चक्रा और सेक्रेट चक्रा बहुत ही अनबैलेंस है, तो चक्रा को बैलेंस कीजिए। और अगर अपने आप से मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो, उनको बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ विद हायरोफेंट दिखाई दे रहा है कि आपको मेंटर की जरूरत है, ठीक है। आप अपने लिए गुरु ढूंढिए,
एक स्टूडेंट की तरह काम कीजिए, एक शिष्य की तरह कीजिए, चाहे एकलव बन के काम कीजिए, अपने गुरु का सिर्फ और सिर्फ एक पिक्चर कर रख लीजिए, विजुलाइज कीजिए और उन्हीं के साथ काम कीजिए, आपको फायदा होगा। ठीक है, यहाँ मेडिटेशन की काफी एनर्जी है और यहाँ प्रॉस्पर्टी आपके लिए लाइफ में आते हुए दिख रही है, प्रॉस्पर्टी है। और यहाँ किसी खजाने की चाबी भी मुझे दिख रही है, क्योंकि चाबी है मुझे नजर गई, तो जैसे दिख रहा है कि अगर किसी विश को पूरा करना चाहते तो गुड लक की एनर्जी भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। किंग ऑफ वेंड्स है, जैसे कि अथॉरिटी आपके पावर आपके हाथों में आते दिख रही है, और ये टॉक्सिक लोग जो निकल गए हैं अब उनके लिए एक्शन भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब आप कहेंगे अब तुम मेरी लाइफ में आने के काबिल नहीं रहे, अब तुम जाओ, अब उनसे दोबारा आप कांटेक्ट नहीं करना। अगर दोबारा उनको पुराना कोई है ऐसा टॉक्सिक पर्सन जो दोबारा आपकी लाइफ में आने की कोशिश करें, तो यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है कि नहीं, सोच समझ के फैसला लीजिएगा, चाहे वो आपका प्यार हो, चाहे कोई जॉब हो या कोई भी अदर पर्सन, जो भी पुराना आपके पास में अब अनिच्छा रूप से आ रहा है उसके लिए आप पूरा जांच परख लो कि क्या अब मुझे इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, और पुराने की बजाय नई चीज़ों की ओर ध्यान दो, पुराना लेट गो करो, मैं यही कहूँगी, और एक्शन लो, स्टैंड लो अपने लिए, इस बेचारगी में मत जियो, स्टैंड लीजिए। ठीक है, अगर हम किसी के नीचे दबते रहते हैं उसके पावर के में मैनिपुलेट होते रहते हैं, तो धीरे 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 हम अपनी लाइफ में एक कर्स बना लेते हैं, एक श्राप बना लेते हैं। ठीक है, तो उस श्राप को निकाल फेंकिए, क्योंकि यहाँ से मुझे डेविड की एनर्जी से एक श्राप की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, तो उस श्राप को अपने ऊपर अप्लाई मत होने दीजिए। ठीक है, और यस आप लियो साइन है और यहाँ पे लियो के ही चिन्ह है, तो आपके आप इस बार अपनी फायर एनर्जी में रहने वाले हो। ठीक है, फायर एनर्जी रहने वाली है, लेकिन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करते हो, कैसे उसको हम अपनी लाइफ में अपनी उसकी सक्सेस की स्टोरी बना सकते हैं अपनी क्रिएटिव शक्ति से, अपनी शक्तियों से, तो ये आपको थोड़ी सी जानने की कोशिश करना, और ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी बेचारगी से निकलेंगे। ठीक है, आप अपनी डार्कनेस से निकलेंगे, क्योंकि आप बहुत ही डार्कनेस से गुजर रहे हो, टॉक्सिटी से गुजर रहे हो, तो टॉक्सिटी से थोड़ा सा खुद से भी निकलने की कोशिश की, बार बार क्यों सी सोच कर रोए जा रहे हो, रोने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कब तक रोगे, मैं पूछती हूँ कब तक रोगे आप, कभी ना कभी तो स्टैंड लोगे ना, तो आज ही इसी सितंबर में अपने लिए स्टैंड ले लीजिए। ठीक है, नाइट ऑफ कप से यहाँ पे अगेन लव जॉब आपकी तरफ आते हुए दिख रही है, क्योंकि यहाँ भी एक ऑफ कप है और यहाँ भी नाइट ऑफ कप है, तो यहाँ पे आपके लिए ऑफर्स आते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो लव का हो, चाहे आपके रिलेशनशिप का हो, चाहे आपका जॉब का हो, चाहे कोई मैनिफेस्टिंग हो, वो सभी आपकी तरफ आते हुए दिख रही है, और एंजल के फीदर भी पर नजर पे, तो एंजल की ब्लेसिंग भी आते हुए मुझे दिखाई दे रही है, और मुझे यहाँ पे एक पीस भी आपकी लाइफ में क्रिएट होते दिख रही है, कि जैसे टॉक्सिटी निकल के इस बार सितंबर में पीस क्रिएट आपकी लाइफ में होगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि वो अपना कुछ गाड़ी भी खरीद सकते हैं, टू व्हीलर खरीद सकते हैं, फोर व्हीलर खरीद सकते हैं, अमूमन कोई भी मुझे यहाँ पे गाड़ी दिखाई दे रही है, कि अगर आप विश मांग रहे थे तो वो गाड़ी आपको आने के लिए मिल सकती है। और अगेन मैं कहूँगी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड है, तो नाइट जो है ना एक प्रोटेक्शन की एनर्जी में रहता है, क्योंकि ये आर्मर कपड़े पहने हुए होता है, तो अपने लिए एक प्रोटेक्शन बनाइए, लोगों के भड़काने में मत, उनको शक्ति मत दीजिए अपने आप को मैनिपुलेट करने के लिए, अपने आप को न्यौछावर करने के लिए। ठीक है, ये एनर्जी वैम्प्स होते हैं और इनसे निकलने की आपको जरूरत है। ठीक है, चलिए जानते हैं कि आपके लिए आपके पूर्वजों की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि सितंबर मंथ में हमारे पितर पक्ष भी रहने वाले हैं, तो यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं सितंबर मंथ में आपके पूर्वजों की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए। ग्रेट टीचर और टीचर की हमने यहाँ पे बात की थी। ठीक है, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आपके मैंने पीस की भी बात की थी, तो अपनी लाइफ में मैंने चक्रा कहा था, अगर चक्रा का मेडिटेशन करना नहीं आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे मेडिटेशन करूँ, कैसे अपनी एनर्जी को बैलेंस करूँ, अपने चक्रा को बैलेंस करूँ, तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि अपने लिए टीचर ढूंढिए, अपने गुरु को ढूंढिए, और वो आपको ये जो टॉक्सिटी है, ये जो विरोधाभास है, उनसे आपको बचाएगी, वो आपको पंख देगी कि आप इस खुली दुनिया की ओर उड़ान भर सके। और यहाँ पे देखिए जियोमेट्रिक ग्रिड है, यंत्र की एनर्जी है, तो हो सकता है किसी यंत्र तंत्र के
अगर किसी यंत्र तंत्र पर विश्वास करते हैं तो यंत्र के साथ काम करना अच्छा हो सकता है। जहाँ जितना मैं देख रही हूँ, यहाँ काली माता का यंत्र मुझे दिखाई दे रहा है। काली माता के यंत्र का अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए आपके पूर्वजों के मैसेज, और जानते हैं आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है, आपके एंजल की तरफ से क्या आपके लिए एनर्जी आ रही है। सिंह राशि के लिए एंजल की तरफ से क्या ब्लेसिंग आ रही है। ओके, वैल्युनेबिलिटी एंड फ्रीडम, यहाँ पे फ्रीडम आपकी लाइफ में आ रही है, और फर्गिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने जैसे बोला, लेट गो कीजिए, फर्गिव कीजिए, किसी ने आपके साथ गलत किया है उसको फर्गिव कीजिए, उसको अपनी लाइफ में दोबारा री एंट्री मत दीजिए। और यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, तो यस, आपकी कोई ना कोई विश पूरी हो रही है और फ्रीडम हो रही है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी एक बर्ड को फ्रीडम मिल रही है, खुले, मैंने अभी बोला था ना, आपको पंख मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पंख आपके आपको मिलेंगे अपनी सपनों की उड़ान भरने के लिए। और यहाँ पे स्टार की मैनिफेस्टेशन, और यहाँ पे फ्रीडम, ठीक है, यहाँ परिपक्वता, और यहाँ पे हीलिंग, ग्रीन कलर क्या है ना, हीलिंग का कार्ड है, हीलिंग का मैसेज करता है। तो यहाँ पे आपके लिए हीलिंग आ रही है, आपके लिए टीचर आ रहे हैं, आपके लिए फ्रीडम आ रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन आ रही है। बट जब आप अपनी अनकंडीशनिंग पावर को समझेंगे, अपने आप को बेचारा नहीं समझेंगे और फर्गिव करेंगे, ऐसे लोग जो आपको टॉक्सिटी कर रहे हैं उनके नेगेटिव में नहीं फंसेंगे। ठीक है, उनको जीतने नहीं देना है। ठीक है, अगर उनको आप जीतते हैं, और आप ये देखो बॉटम में कार्ड भी है, क्लियर कैंसिल एंड रिलीज। तो यहाँ पे स्प्रिट, यहाँ पे एंजल्स आपको क्लियर मैसेज कर रही है, भाई जो भी टॉक्सिटी है उनसे एक कॉर्ड्स कटिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्रॉस का निशान है, तो यहाँ पे कॉर्ड्स कटिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। क्लीन करिए स्पेस को, ठीक है, कैंसिल करिए ऐसी नेगेटिव को, ऐसे लोगों को कैंसिल कीजिए। एक बार सोच समझ के फैसला लीजिए कि इनको दोबारा अपनी लाइफ में एंट्री देनी है या नहीं देनी है। ठीक है, और हो सके तो पुराने को लेट गो कीजिए, रिलीज कीजिए। ठीक है, उनको माफ कीजिए। चलिए जानते हैं आपके लिए यूनिकॉर्न एंजल की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। यूनिकॉर्न एंजल की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। हालांकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन और स्टार्ट का कार्ड है, तो जैसे आप चक्रा को एक्टिवेट करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो आप अपनी फ्रीडम की ओर जा रहे हैं, अपनी आत्मा की प्यूरिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, शुद्धिकरण की ओर जा रहे हैं। बेसिकली आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं। ठीक है, इनविजिबिलिटी, ओके, बहुत ही ग्रेट मैसेज है। टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी शाइन। और यहाँ पे वही मैसेज, अपने चक्रा को, जो आपकी इनविजिबल पावर है, उसको एक्टिवेट कीजिए और अपने आप को लाइट अप कीजिए, अपने आप को लाइट अप करिए, दुनिया को दिखाइए कि आपके अंदर पावर क्या है। आप समय व्यर्थ करने का जरूरत है, किसी के नीचे अंडर काम करने, अपने आप को बेचारा समझने की जरूरत नहीं है। रिलीज कीजिए ऐसे पैटर्न्स को। ठीक है, अगर कर्मा ब्लॉकेज है तो स्पेल कीजिए, काली कवच का पाठ कीजिए, काली यंत्र के साथ में काम कीजिए, उस ब्लॉकेज कर्मा को रिलीज कीजिए, उस टॉक्सिटी को रिलीज कीजिए। और यहाँ पे कोई श्राप है, ठीक है, उस श्राप को रिलीज कीजिए, ताकि अपनी इनर लाइट को आप दिखा सके। आपके लिए अगला मैसेज है, पिगेसस एंड ओपन द हार्ट टू लव एंड जॉय। और यहाँ भी एक उड़ान भरता हुआ यूनिकॉर्न दिखाया गया है, बटरफ्लाइज दिखाई गई हैं, तो ये भी एक फ्रीडम को दिखा रही हैं। ठीक है, ये फ्रीडम को दिखा रही हैं, ये कैसे स्काई में कैसे फ्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे फ्रीडम आपको मिल रही, आपके सपनों को पंख मिल रहे हैं, आपको जॉयनेस मिल रही है, आपको वो कंपेशन मिल रहा है, और आपको लव मिल रहा है, और आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। लेकिन यस, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा एक्टिवेशन, चक्रा का एक्टिवेशन, ठीक है, जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, ताकि। और यहाँ पे भी देखिए, एक वाइट बर्ड आपके लिए बैठा हुआ है, तो यहाँ पे एंजल्स आपके साथ काफी है, यहाँ भी बर्ड है और यहाँ भी आपके लिए बर्ड है। और यहाँ से मैंने एंजल का मैसेज दिया था कि एंजेलिक ब्लेसिंग आपकी है, तो यहाँ एंजल की ब्लेसिंग रहेगी। अपनी अंतरात्मा को थोड़ा शुद्धिकरण कीजिए, ठीक है, अंतरात्मा का शुद्धिकरण कीजिए। और आपके बॉटम पे कार्ड जो है एक्सप्रेशन का है, तो यू आर द अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार, एम फॉर द स्टार, जो स्टार, जो गोल आप पाना चाहते हैं उसके लिए महत्वाकांक्षी होइए। अपने आप को डर डर में गुजारने की जरूरत नहीं है,
ठीक है। और श्राप से मुक्ति के उपाय कीजिए, जो मैंने रेमेडी बताई है उनको कीजिए। आप स्टार से कनेक्ट हो, और यहाँ भी देखिए बर्ड दिखाई गई है उड़ान भरते हुए। तो अपने जो गोल हैं, जो आपका गोल है उसके ऊपर फोकस होकर, जैसे बाज अपने शिकार की तरफ जो है ना एकदम एकदम फोकस होकर देखता है तभी वो शिकार करता है ऊंचाई से भी, तो वो ऊंचाई से भी आप अपने शिकार को, अपने गोल को पकड़ पाए ऐसी नजरें तेज कीजिए, ठीक है। और वो कैसे होगा? मेडिटेशन से, चक्रा मेडिटेशन से, ठीक है। और चलिए आपके लिए जानते हैं कुछ अफर्मेशन, क्या अफर्मेशन आपको इस सितंबर मंथ में करनी चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेटेड, यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका एक्टिवेट हो रहा है और बहुत ही तेजी से काम करेगा अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन की ओर जा रहे हो। दूसरा कार्ड है स्पीक द ट्रुथ, तो जो भी बोलो सच बोलो, सच बोलने से घबराओ नहीं, ठीक है। आई एम ब्यूटीफुल, अगर किसी ने आपको इस वजह से इस टॉक्सिसिटी में डाला है कि आपके कॉन्फिडेंस को गिराया है कि आपके पास वो शक्तियाँ नहीं है, आप अच्छे नहीं लगते हो, आप बहुत बुरे दिखते हो, आप बहुत अगली हो, तो आपको कहा जा रहा है कि भाई आई एम ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो, ठीक है। आई मैनिफेस्ट एवरीथिंग, मैं जो चाहता हूँ वो पा सकता हूँ और इसके लिए मुझे किसी के अंडर रहने की जरूरत नहीं है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप एक बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हो, ठीक है। थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। आपके लिए पटम में कार्ड है आई एम मनी मैग्नेट, तो आप मनी मैग्नेट हो, आप पैसे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। चलिए अगर आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न है जिसे चाहते हैं सितंबर मंथ में पूरा होगा या नहीं, तो चलिए जानते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून से कि सितंबर मंथ में आपकी वो विश पूरी होगी या नहीं, क्या यूनिकॉर्न यूनिवर्स से मैसेज है। ट्रस्ट, आपके लिए जो नंबर आया है वो है ट्रस्ट का, आपको मैं दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हो ये ट्रस्ट पे आपका रुका है। और यस, जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं अपने ट्रस्ट कीजिए, खासकर अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए कि आप कर सकते हो, ठीक है। तो यस सिंह राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा। आपको मेरी रीडिंग 100% रेजोनेट हो इसके लिए अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यस बहुत सारा सपोर्ट। बाय।